नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल। जिनको अभी अप्रैल वाला जेई मेंस टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर देम, और जो बाकी लोग जिनको अभी ज़रूरत है अप्रैल वाला जेई मेंस फोकस करने की, उन सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा। बिकॉज आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अच्छा आया, बुरा आया, ठीक है। सो एक साथ में आप सभी लोगों से बात हो सके, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग टू मेक दिस वीडियो, राइट। तो पहले टाइम इज शॉर्ट, क्योंकि आप लोगों के पास में भी अभी आज चिल कर लो, ठीक है। एंड जिनका रिजल्ट अभी डिजायर्ड नहीं आया, फॉर यू ऑल्सो दिस वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना है वीडियो देखने में, ठीक है। नाउ यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन योर मिस्टेक्स, राइट। तो एक चीज़ जो इस बार सभी लोग नोटिस कर रहे हैं एंड एवरी वन इज टेलिंग अबाउट दिस, कि मुझे लाइक मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड, राइट। और उनमें से कुछ लोगों से पता चला कि 27th को जो शिफ्ट हुई थी और 29th को जो शिफ्ट हुई थी, ठीक है, इन दोनों शिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन आया बाकी शिफ्ट से, ठीक है। यू कैन सी लाइक 207 मार्क्स एक बच्चे के आए, सो ही गॉट 97% एंड 1% गॉट 232, ही गॉट 233 अराउंड मार्क्स, राइट। सो ही गॉट 99% इन 27th को जो जे मेन्स के शिफ्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आपका 29 जनवरी को जो शिफ्ट हुआ था, ठीक है, 29th में 201 नंबर जब 300 में से आ रहे हैं, सो द पर्सन इज गेटिंग अराउंड 99%, राइट। और जो 1 फेब में हुआ था उसमें 160 से 170 नंबर पे आ रहे हैं। सो एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू। नॉर्मली दिस हैज बीन सीन कि जो आपका परसेंटाइल होता है वो हमारी हमें कैसा लग रहा है पेपर उस पर डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली इट इज़ अबाउट द एस्थेटिक्स, राइट, कि टॉप जो कुछ परसेंट लोग हैं उनका मार्क्स में कितना वेरिएशन है। एग्जैक्टली बट लाइक थोड़ा सा कह सकते हो यहाँ पे यार लक फैक्टर वाला रहा, कि अगर आप इजी शिफ्ट में बैठ जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो फॉर यू इट इज़ लाइक टफ गेम, राइट, टू विन। तो अब 207 नंबर पे यहाँ पे 97% आ रही है, राइट, और यहाँ पे 160 से 170 नंबर पे 99% आ रही है फर्स्ट फिफ्थ के सेशन में। तो आई ऑल्सो नो कि इतना वेरिएशन यार एनटीए ने जैसे भी किया है, दिस इज समवेयर लाइक कंप्लेन्स आर देयर ऑब्वियसली कि हाउ दे हैव डन दिस। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता सा, आप देख सकते हो 160 नंबर पे 99% मॉर्निंग शिफ्ट में और 171 के आसपास फर्स्ट फिफ्थ के आपके इवनिंग सेशन में 99% आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने मार्क्स का यहाँ पे डेविएशन है, मतलब अप्रोक्सीमेट 70 नंबर का डेरिवेशन है, डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पे 70 नंबर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 70 नंबर का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक दोज पीपल हु आर अटेम्प्टिंग एसएससी और ये सारे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत गलत कई बार हो जाता है कई शिफ्ट्स के साथ में। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 70 नंबर तो इतना ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द थिंग विच हैज़ एक्चुअली हैपेंड। अभी ये सारी चीज़ें हो गई और मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि वॉट एवर हैज़ हैपेंड राइट नाउ, यू नो दैट कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनटीए से, कोई कितना भी बड़ा टीचर रिक्वेस्ट करेगा, लाइक दिस इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी, राइट। सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है एंड नो वन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन। कल आपने देखा होगा कई सारे यूपी में एग्जाम्स हुए जिसका पेपर लीक हुआ, नो वन इज गोइंग टू टेक एक्शन, शुरू में बहुत हल्ला मच जाता है। तो यहाँ पे तो दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे तो आपका जो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का है वो उसका इश्यू है, राइट। तो आप लोग, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका कुछ होने वाला नहीं, राइट। सो अभी आप लोग जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो के बाद में फिर रिकमेंडेशन आएगी कि हाँ इतने परसेंटाइल पे इतना बना, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से अपने खुद के एक्सपीरियंस से, लाइक आई अपीयर्ड इन जेई गेट ऑल दीज एग्जामिनेशन, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी इतने टाइम पे इन सभी चीजों पे फोकस बिल्कुल मत करो अगर आपका ये जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है वो खराब चला गया है, ठीक है। आई गॉट मेनी कॉल्स बेसिकली फ्रॉम स्टूडेंट्स जिनका 130 नंबर आया एंड दे आर गेटिंग 80% अप्रॉक्सीमेट, 150 पे आ रहा है उनका 88%। तो एक्चुअली ये तो इश्यू है, यहाँ पे बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। बट अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वॉट यू कैन डू दैट यू हैव टू थिंक ऑफ, राइट। अब देखो यहाँ पे, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस पे मुझे व्यूज़ नहीं बटोरने, मुझे वॉच टाइम नहीं लेना इस वीडियो के लिए, ठीक है, कि इसी पे मैं बात करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, दिस ऑलरेडी हैज हैपेंड। अब समझदारी इसी चीज में है आपकी कि
कि अगर मान लीजिए कोई बंदा 207 नंबर लेके 97 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर में भी ऑब्वियसली डाउट्स होंगे कि अगले बार में फिर ऐसे पड़ गया तो क्या होगा, मैं जो डिजायर कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सो व्हाट द थिंग विल बी, और जिसके 160 पे आ गया 99 परसेंटाइल, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, व्हाट इज इन आर कंट्रोल, जो मार्क्स है वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। लाइक आप इफ यू वांट टू बी इन एन एनआईटी राइट, 96 95 से ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल यू नीड, राइट, तभी आपके चांस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं सही ठीक ठाक ब्रांचेस की बात करूं, 97 आइडली होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए तो आपको ठीक ठाक ब्रांचेस मिल जाएंगे ठीक ठाक एनआईटी में, ठीक है। तो अभी आपको क्या फोकस करना है यार, मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके 130 नंबर आए, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि 130 नंबर आए मेरे और मेरा 85 परसेंटाइल आ गया, 84 परसेंटाइल आ गया, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस बेसिकली। अभी बस आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मैं अपने मार्क्स 130 से 180 पे कैसे ला सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करने पे फोकस करोगे तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी फील होगी, अदरवाइज अगर आप ये नेगेटिव चीज़ें लेके चलोगे, और अभी तो बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे तो बहुत सारा आइडिया मिलेगा इससे, तो इतना ज़्यादा आपको टाइम इन सभी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है। दिस विल बी एडवाइस फ्रॉम माई साइड बेसिकली, और मेरा यही कहना रहेगा आप लोगों से कि अभी अगर आपके जो मार्क्स है 130 मार्क्स है, तो अभी आप ये एनालाइज करो बैठ के कि 300 में मेरे 130 क्यों आ रहे हैं, 120 क्यों आ रहे हैं। इफ़ यू हैव द कैलिबर ऑफ 200, आपने कुछ सिली मिस्टेक्स करी, कुछ इश्यूज आए एग्जाम में, ठीक है, आप कोप अप नहीं कर पाए प्रेशर जो है, तो उस सारी सिचुएशंस को आपको ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, इन दीज 2 मंथ्स यू हैव टू लाइक अटेम्प्ट मेनी मॉक टेस्ट, जो भी आपकी गलतियां रह चुकी हैं इससे पहले उस पे ध्यान देना है, ना कि इस पे ध्यान देना है कि अब एनटीए के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, एनटीए दोबारा रिजल्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट। इतने सारे लोग पेपर दे रहे हैं, तो आप कोई जाके प्रोटेस्ट भी करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। तो इस पे आप बहुत सारी वीडियोस देख के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, और इस पे ज्यादा अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अभी आपके पास में जेई एडवांस है, ठीक है, 26 मई को आई होप दिस विल बी कंडक्टेड, राइट। तो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है, अगर आप लोगों के पास में अटेम्प्ट है, और इफ मेनी पीपल आर लाइक थर्ड टाइम दे आर अटेम्प्टिंग जेई मेंस, तो उनके लिए एनआईटी का ही ऑप्शन है। सो अभी आपको अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है उसको बहुत सीरियसली देना है, उस पर पूरा का पूरा फोकस करना है, ठीक है। अभी यार इस सब चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा कि मेरा परसेंटाइल अब क्या होगा आगे, अगर ऐसा ही मिल गया तो देखो अभी नेगेटिव सोच के तो कुछ नहीं होने वाला। आई नो कि पेरेंट्स का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, ठीक है, आपका पीयर प्रेशर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी, बट ये सिचुएशन आती है, राइट, और अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा इस चीज़ को। एक दिन चिल करो, ठीक है, रिलैक्स करो, वीडियो वीडियो देखो जो देखना है, उसके बाद में बस फोकस करो कि अब मैं 2 महीने में क्या कर सकता हूँ। देखो अभी आपने इतना, मान लीजिए आप 2 साल से तैयारी कर रहे थे, कोई 1 साल से जो 13th में जाते हैं कोटा में, या ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर रहे थे आफ्टर योर 12th, कोई 2 साल से कर रहा है प्रिपरेशन आफ्टर 12th, तो सभी के लिए मेरा बस यही एडवाइस होगा राइट नाउ कि अभी आप लोग बस इस चीज पे फोकस करो कि देखो इतना टाइम आपने दे दिया, ठीक है। आई नो वन ऑफ माई लाइक ही इज वेरी डियर टू मी, ही गॉट लाइक 91 परसेंटाइल इन 2022, राइट, ठीक है, जेई मेंस में, और अभी उसका अप्रोक्सीमेट 80 परसेंटाइल आया, ठीक है, 82 परसेंटाइल समथिंग ही गॉट, बट ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, सो व्हाट वी कैन कंट्रोल राइट नाउ, राइट, हम अभी क्या कर सकते हैं इस चीजों पे। आई फॉर एवरीवन, एवरीवन इज नियर एंड डियर टू मी, लाइक जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एवरीवन आई विल जस्ट बी सजेस्टिंग कि अभी आपको बस इस पे फोकस करना है यार, कि अभी अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, परसेंटाइल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो हमने गीता का श्लोक पढ़ा हुआ है, उसका मैं उपदेश नहीं दे रहा आपको, आई नो दोज पीपल हु हैव वर्कड हार्ड एंड दे आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, दिस इज टफ फॉर देम, बट राइट नाउ वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट जर्नी, राइट। अभी इस पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं, नहीं तो एक अभी 15 दिन आप किस में बिता दोगे, शोक सभा में, ठीक है, फिर 15 दिन बाद आपको लगेगा यार फिर 130 आया था, अगली बार फिर 130 आएगा, और पता चला 130 पे अगली बार 94 परसेंटाइल आ गई, 93 परसेंटाइल आ गई, तब फिर आप मतलब ये एक जो रिपेंट करने का साइकिल है ना वो चलता रहेगा, तो दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली। तो
इस चीज के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो हो गया दैट ऑलरेडी हैपेंड। अभी आप ये मत सोचो कि यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, एनटीए चेंज करेगा परसेंटाइल, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, राइट। तो इन सब चीजों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें यही सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ अगर आपके 130 नंबर आए हैं और आपको लगता है आप टेस्ट में 180, 190, 200 के आसपास स्कोर किए हो, इट मीन्स यू हैव कैलिबर ऑफ 200, राइट। ठीक है, सो अब आपको ये 70 नंबर का जो गैप आ रहा है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, इसको कैसे आप तय करोगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मेनी थिंग्स, राइट, यू हैव कुछ चीजों को मैं बताऊंगा, आई विल बी टेकिंग अदर सेशंस आल्सो, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना रिजल्ट वगैरह मेंशन कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट, मॉक टेस्ट पे फोकस करना है अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ठीक है। सिलेबस अगर कंप्लीट है, दैट आई मीन बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली आई हैव टू टेक वन मोर सेशन, दैट्स व्हाई आई एम इन हरी राइट नाउ। सो टेस्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जितने भी नंबर का गैप आ रहा है, जो डेल्टा एम, जो मार्क्स आपको लग रहा है कि हाँ इतने नंबर का गैप आ रहा है, सो दैट यू हैव टू एक्चुअली कवर इन द अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आपको कैसे भी करके कवर करना है, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू, ठीक है। टेस्ट करना है, फिर रिविजन वाला जो पार्ट है, मान लीजिए आपका मैथ बहुत अच्छा गया, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर मेरा, कुछ लोगों का मैथ में 96, 98% आ गया, ठीक है, 99% आ गया, केमिस्ट्री में आ रहा है 89%, ठीक है। सो दैट इज द थिंग बेसिकली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो ये जो आपके मिस्टेक्स हैं, अभी रिजल्ट को एनालाइज करना है, रिजल्ट को पॉजिटिवली देखना है, जहां पे भी आपका लूप होल हो रहा है उसको इम्प्रूव करके अगले अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, बहुत अच्छा करना है और अच्छे से वहां, ये बस कोशिश करना है, ठीक है, कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में जब एग्जाम दो बाहर निकलो तो आपको ये ना फील हो यार कि मैं और अच्छा कर सकता था, ठीक है। अभी जो हो गया, वॉट एवर हैज हैपेंड दैट ऑलरेडी यू नो, राइट। अभी फिर फालतू का टेंशन लेके फिर 15 दिन बाद फिर से वही प्रोसेस चालू करोगे, इससे अच्छा क्यों ना कल से चालू करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी इश्यू रिलेटेड टू दैट, राइट, सो दिस इज माई नंबर, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। सो और इफ आई टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स हुम आई वॉज मेंटरिंग, राइट, सो आउट ऑफ 40 मेंटरशिप स्टूडेंट्स, यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स, आई विल बी कंडक्टिंग द इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन लाइक थ्रू मी इन दिस जर्नी। सो लाइक दिस मच, 18 स्टूडेंट्स गॉट 97, मोर देन 97% एंड दिस इज द डाटा विच आई जस्ट गॉट थ्रू देयर रिजल्ट, राइट। तो ये मुझे पता चला, ठीक है। सो एंड मेनी पीपल आर स्टिल एनरोल्ड विथ आर मेंटरशिप प्रोग्राम, सो वील बी यू नो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट दिस, राइट, ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इन दिस नंबर, ठीक है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। सो दिस इज जस्ट अ थिंग विच आई हैव टू शेयर की वॉट आई हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स, राइट, बट लाइक दिस इज नॉट काइंड ऑफ प्रमोशन। बट अभी बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, एक दिन चिल करो, स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है, अभी ये सारी चीजों को छोड़ो, अपना 2 महीना अच्छे से लगाओ, उसके बाद में फिर आगे जो होगा, वॉट एवर विल बी हैपनिंग दैट वी हैव टू सी, अगर जो ये अभी हुआ वो भी आप देख रहे हो, तो अभी बस अपना एफर्ट डालो, ये सारी फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद पेशेंस, अपने क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेरीज पर्सनली, राइट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में लूंगा रिलेटेड टू दिस, एंड तब तक के लिए बाय बाय, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।